शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखा टिंटिन, मुझे तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं देती। अब तू ही को चक्कर चला ना। मेरी फीस? ये ले। डीआईडीआई। आपने मुझसे कुछ कहा? यस डीआईडीआई। डीआईडीआई? ये डीआईडीआई क्या है? डीआईडीआई का मतलब दीदी। क्या आप मेरी दीदी बनेंगी? आहा, क्यों नहीं? तो दीजिए एक पप्पी। हाँ? हाँ। थैंक यू डीआईडीआई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टिंटिन है। आपका नाम क्या है डीआईडीआई? राधा। तुम उसके क्या हो जो तुम्हारे साथ खड़ा था? वो मेरा दोस्त है। वो आपको बहुत लाइक करता है। क्या आप भी उसको लाइक करती हैं? नहीं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर मैं उसे कह दूं खरीद ले। क्या खरीद ले? कफन। कफन किसके लिए? खुद के लिए, क्योंकि आज वो आत्महत्या करने वाला है। टिंटिन, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो आज आत्महत्या कर लेगा? हाँ डीआईडीआई, कल उसने एक ट्रेजिक मूवी देखी थी। उसमें हीरो ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि हीरोइन ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। और अगर आप भी उसके प्यार को ठुकरा देंगी तो समझ लो वो मर गया। ए मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है? हाय, क्या जुल्म किया आपने! मेरा ड्रीम सॉन्ग तोड़ दिया। क्या चांद का टुकड़ा लग रही थी आप। देखो मिस्टर, मेरी तारीफ करना, मेरा पीछा करना अगर तुमने ना छोड़ा तो इस हिल स्टेशन पर एक पुलिस स्टेशन भी है। अजी छोड़िए, प्यार करने वाले पुलिस से तो क्या मिलिट्री से भी नहीं डरते। और हमने तो आपसे इश्क किया है। इश्क? और मुझसे? ये प्यार और मोहब्बत का खेल शहरों में जाकर खेलिए। तुम जैसे अमीरों की चालाकी मैं खूब जानती हूँ। इन वादियों में तुम जैसे कितने अमीरों ने अपने प्यार के जाल में फंसा कर कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नफरत है तुम जैसे अमीरों से, सख्त नफरत है। अरे रे 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 रे। अमीर और मैं? खा गई ना अभी धोखा। अच्छा बताइए, मैं आपको कौन से एंगल से अमीर दिखा देता हूँ? सर से पांव तक अमीरी की जीती जागती तस्वीर हो तुम। नहीं मिस, मैं तो एक बहुत गरीब आदमी हूँ। एक अमीर आदमी का सेक्रेटरी जरूर हूँ, लेकिन लंदन में। अच्छा अच्छा, ये ट्रिक किसी और पर आजमाना मिस्टर, इस राधा पर नहीं। अरे वाह, तुम्हारा नाम राधा है और मेरा श्याम। वाह, ऊपर वाले क्या जोड़ी बनाई है। हाय राधा, हाउ आर यू? फाइन विदाउट यू। अब चले जाओ यहाँ से। अरे मिस, आप मुझसे इसलिए खफा है क्योंकि आप मुझे अमीर समझती हैं। अरे मैं तो इतना गरीब हूँ कि अगर गरीबों को पता चल जाए कि मैं कितना गरीब हूँ तो पता है क्या होगा? क्या होगा? सारे गरीब मिलकर मुझे इतना मारेंगे कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ। अब तक तुम इस गरीब की मोहब्बत कबूल कर लो। तो मिस्टर, आप जागते में भी सपने देखते हैं कि हाथ बढ़ाओ और चांद को पकड़ लो। चांद को आसमान पे रहने दो मेरे चांद के टुकड़े, तुम सिर्फ मेरा हाथ पकड़ लो। शट अप एंड गेट लॉस्ट। मिस्टर श्याम, लगता है आपके मोहब्बत के सितारे सोए हैं। कभी नदी बीच में आती है तो कभी अमीरी। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे गरीब लड़कियों के मासूम दिलों से खेलने वाला एक अमीर आदमी समझती है, एक प्लेबॉय समझती है। होता है होता है, लड़की के दिल में विश्वास का दिया जलाने के लिए सिर्फ शम्मी कपूर स्टाइल में गाना गाना काफी नहीं होता। दिलीप कुमार और राजकुमार की तरह इमोशनल सीन भी करने पड़ते हैं। ये सब मुझसे नहीं होगा। तो पापा, इसकी शादी किसी और लड़की से करवा दो ना। अबे पड़ोसी के सीरियस सीन में कॉमेडी करता है उल्लू का पट्टा। पापा, मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ और ना ही पड़ोसी का हूँ, मैं तो आपका पट्टा हूँ। अबे पिलपिले, चुलबुले, कैरेक्टर के ढीले, इस समय हम शाम की जिंदगी में जो एक चांद के टुकड़े की कमी है हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तू भी सोच। सोच सोच क्या करते हैं आप? हम तो पहले से ही सोच लिया। चिंता मत करिए, मैं मेरे साथ में तीन तो चांद का टुकड़ा लाया हूँ। चांद का टुकड़ा फास्टम। आप जानते हैं ये तीनों चांद का टुकड़ा हमने ऑफिशियली पैदा किया हनीमून के बाद। अरे हमें क्या लेना देना, चाहे हनीमून से पैदा किया हो या देहरादून से। लेकिन बाबू मशाय, आप इन लड़कियों को क्यों लाए? आपको पोषण करवाने। लेकिन बाबू मशाय, मैंने अपने लिए दुल्हन पसंद कर ली है। पापा नहीं, मेरा होने वाला शोनिल्ला, ऐसा मत कहिए, नहीं तो मेरा तीनों बेटी जवानी में ही जवान दे देगा। अभी बंगाली भाषा से पीछा कैसे छोड़ा जाए? पापा, इन तीनों से मैं शादी कर लेता हूँ। चुप बे पड़ोसी के। पापा, चाँ, 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 चाँ,
अंकल मैं अब चलता हूँ। नहीं नमस्ते। आपू दरिया आपू लोगेंगा धोखा गिरेंगा तू डाई डाई डच्चा मैडम का मुनु मुनु बाबू अले देवी कितना टूप तुलत प्याला प्याला है तो, बाबा बोले थे लाम चुप रहने का चुप भी नहीं बोलने का। ओ माँ अता हुआ मैं तुत नहीं बोली। ये तो तीनों की तीनों तोतली है। एक्सक्यूज मी मिस्टर श्याम। यस माय नेम इज टिनटिन। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मेरी हेल्प? हाँ आप वो बाबू मोशाय और उसकी तीनों लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं ना? नहीं। और जिसे पसंद करते हो वो पट्टी नहीं। अरे वाह तुम कोई जादूगर हो क्या? नहीं नहीं मिस्टर श्याम मैं तो आपको सिर्फ आपकी प्रेमिका से मिलाना चाहता हूँ मगर एक शर्त है। अरे मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है यार। आपको मुझे चॉकलेट का एक बॉक्स देना होगा 5,000 रुपए वाला इतना बड़ा। अरे मैं तुझे चॉकलेट की पूरी फैक्ट्री दे दूंगा लेकिन ये बता वो कैसे मिलेगी? देखने में तो वो शिव जी का मंदिर दिखता है लेकिन अंदर से कृष्ण जी की लीला है। जो कोई वहाँ जाता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चल अभी चलते हैं। अभी नहीं मिस्टर श्याम कल सुबह चलेंगे। इतना बेचैन नहीं होना चाहिए। पेशेंस रखिए पेशेंस। गुड नाइट। गुड नाइट। देखा टिंटिन मुझे तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं देती। अब तू ही को चक्कर चला ना। मेरी फीस ये ले। डीआईडीआई आपने मुझसे कुछ कहा? यस डीआईडीआई। डीआईडीआई ये डीआईडीआई क्या है? डीआईडीआई का मतलब दीदी। क्या आप मेरी दीदी बनेंगी? आहा क्यों नहीं तो दीजिए एक पप्पी। हाँ हाँ थैंक यू डीआईडीआई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टिंटिन है। आपका नाम क्या है डीआईडीआई? राधा। तुम उसके क्या हो जो तुम्हारे साथ खड़ा था? वो मेरा दोस्त है। वो आपको बहुत लाइक करता है। क्या आप भी उसको लाइक करती हैं? नहीं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर मैं उसे कह दूं खरीद ले। क्या खरीद ले? कफन। कफन किसके लिए? खुद के लिए क्योंकि आज वो आत्महत्या करने वाला है। टिंटिन तुम्हें पूरा यकीन है कि वो आज आत्महत्या कर लेगा? हाँ डीआईडीआई कल उसने एक ट्रेजिक मूवी देखी थी। उसमें हीरो ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि हीरोइन ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। और अगर आप भी उसके प्यार को ठुकरा देंगी तो समझ लो वो मर गया। हाँ मरने दो मुझे क्या है। लेकिन डीआईडीआई लेकिन क्या? अगर वो मर गया तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा। अरे वो कैसे? वो एक लेटर लिख के लाया है। उसमें लिखा है कि आपने उसके प्यार को ठुकरा दिया है इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अगर वो मर गया तो सारे शहर में आपकी बदनामी होगी ना डीआईडीआई। हाँ टिंटिन बदनामी तो हो जाएगी। फिर हमें क्या करना चाहिए? अच्छे खिलाड़ी की तरह सिचुएशन हैंडल कर लेनी चाहिए। उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। अच्छा 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 ठीक है कर लेते हैं। मिस्टर श्याम डीआईडीआई मिस्टर श्याम डीआईडीआई राधा। हेलो 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 एक्सक्यूज मी मिस्टर श्याम मुझे मत भूल जाना। बाय बाय डीआईडीआई। बाय बाय। दस किलोमीटर से पैदल चला चला के यहाँ तक ले आई। अब कहाँ तक ले जाना है कुछ तो बोलो। लोग तो जन्म जन्म तक साथ निभाते हैं और तुम्हारी 10 किलोमीटर में ही जान निकल गई। जान आ गई। तुम्हारी आवाज सुनते ही जान वापस आ गई। अब बोलना शुरू किया राधा जी तो ये बताओ कि तुमने भगवान के मंदिर में क्या मांगा? पहले तुम बताओ। मैंने मांगा तुम्हारा साथ तुम्हारा प्यार तुमसे शादी। तुमने क्या मांगा? तुम्हारा सर। हाँ मैंने मांगा भगवान इस चिपकू से मेरा पीछा छुड़ा दे। चिपकू एंड मी? ओह नो ऐसा और कुछ तो नहीं मांगा ना भगवान से? हाँ मांगा कभी गलती से भी तुम्हारे लिए मेरे मन में प्यार का ख्याल ना आए। और क्या मांगा भगवान से? इस जन्म में मिला है अगले जन्म में ना मिले। मगर क्यों राधा जी ऐसा क्यों? इसलिए कि तुम्हें देखकर अपनी घंटी नहीं बजी। अरे हाँ कह दो घंटी क्या घंटे ही घंटे बज जाएंगे। हाँ कह दो। नहीं कह सकती। नहीं कह सकती क्यों? कह दिया ना नहीं। लेकिन क्यों नहीं? नहीं 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 क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि
ए हिंदुस्तानी लड़की, जानती है तू इस दुनिया में सबसे सुंदर है, मगर मगर क्या? मगर तुझसे भी सुंदर कोई और है। वो कौन है? वही जिससे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तो जाना, जाके उसी को प्यार करो। क्या, क्यों झक मार रहे हो? अजी क्या करूँ, उससे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुमसे भी हो गया है। कोई जरूरत नहीं मुझे प्यार करने की। अच्छा, जाते जाते ये तो सुनती जाओ, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो है कौन? जल्दी बताओ, टाइम नहीं अपने पास। बता दूँ? हाँ बताओ। सुनोगी? अरे बाबा सुनाओ भी। जलन हो रही है। तुम बताते हो कि मैं जाऊँ? जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ वो है मेरी माँ। तुम्हारी माँ? हाँ राधा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी तमन्ना थी कि उनकी बहू चांद के टुकड़े जैसी हो। क्या तुम उनका सपना पूरा करोगी? हाँ श्याम। अगर तुम इस तरह का ड्रेस पहनोगी ना तो तुम एकदम लंदन की मेम लगोगी। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर तुम बहुत अच्छी लगोगी। तो तुमको हमारा मेम बनना पसंद है? ऑफ कोर्स, हमें लंदन में रहना होगा। और अगर तुम इस तरह का ड्रेस पहनोगी तो तुम एकदम यूरोप और अमेरिका के लोगों की तरह लगोगी। ठीक है, तुम्हारे लिए ये ड्रेस भी पहन लेंगे। दैट इज व्हाई आई लव यू। चलो। बारमैन, टू ऑरेंज जूस प्लीज। यस सर। लो, यो? जी नहीं, मैं पीती नहीं। जो समंदर में गोता लगाते हैं वो भीग कर जाते हैं, और जो बाहर में आते हैं वो दो दो पैग पी कर जाते हैं। लो पियो। मैंने कहा ना, प्लीज नो। पियो। ठीक है, आप कहते हैं तो। देखिए मिस्टर शराबी जेंटलमैन, जब कोई लड़की ना कहे तो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। अबे तू हमारे बीच बोलने वाला कौन है? हमारा और इनका मामला इश्क और रोमांस को पार करके शादी की ओर जा रहा है, और अगर आपने इनको छूने की कोशिश की तो मैं आपको तोड़ फोड़ दूंगा। तू मुझे तोड़ेगा? मुझे फोड़ेगा? हाँ। अरे अब बकवास बंद कर, वरना मैं तेरा कबाब बना दूंगा, क्योंकि ये लड़की मुझे चाहिए। लड़की चाहिए आपको? यस। क्यों, आप इनसे राखी बंधवाएंगे? तो फिर एक काम करते हैं। क्या? ये रुपया मैं आपकी हथेली में रखता हूँ, तीन गिनने के बाद अगर आपने हथेली बंद कर ली और ये रुपया आपकी हथेली में रह गया तो ये लड़की आपकी। लेकिन तीन गिनने के बाद आपकी हथेली बंद होने से पहले अगर ये रुपया मैंने निकाल लिया तो ये लड़की मेरी। मंजूर है? मंजूर है। वेरी गुड। एक, दो, हा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 ह
कॉइन मेरे हाथ में तो लड़की मेरी। आपका जुखा, हम लोग चलते हैं। बाय बाय। अब भी लड़की चाहिए, बाज नहीं आएगा ना? नहीं नहीं। ये क्या हुआ? कुंग फू लॉक, हिंदी ताला लगा दिया। क्या? चले चलो। अच्छा, इस बेचारे का ताला खोल दो प्लीज। तुम कहती तो खोल देता हूँ। चलो लड़की। अच्छा श्याम, मैं चलू? हमेशा आती हो जाती है, लेकिन घर कभी नहीं बुलाती हो। घर बुलाओ, मम्मी डैडी से मिलवाओ। जरूर मिलवाऊंगी। लेकिन कब? वक्त आने पर। ये वक्त कब आएगा? बहुत जल्द। वैसे मैं तुमसे कल मिलूंगी। अच्छा चलो। बाय श्याम। बाय। बाय बाय।